हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ गाइस कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि कोई भी कॉलेज के बारे में आप तभी बता सकते हैं कि वह अच्छा है या ख़राब ना, जब आप वहाँ पर पढ़े हों, वहाँ के बारे में जान रहे हों, वहाँ की क्लासेस किए हों। तो गाइस, मैं अभी पढ़ता हूँ GP धनबाद में। पर गाइस, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले उन सभी से वहाँ के बारे में जान लिया है, जानकारी हासिल कर लिया है, उसके बाद मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी कॉलेजेस ख़राब नहीं होते हैं, और आखिर अच्छा कॉलेज है तो वो किस व्यू से अच्छा है, प्लेसमेंट की व्यू से है या पढ़ाई की व्यू से है, या किस चीज़ पर मतलब उसको हम अच्छा कहते हैं, किस अनुसार अच्छा कर रहे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो गाइस देखिए, प्लेसमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है एक इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गाइस, जब मेरा नौकरी ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो गाइस, अगर प्लेसमेंट के व्यू से देखा जाए गाइस, तो झारखंड में टॉप कॉलेजेस हैं आदित्यपुर, टॉप कॉलेज आपका है GP धनबाद, टॉप कॉलेज आपका GP रांची, सब टॉप कॉलेजेस हैं गाइस। और भी हैं, उसका भी मैं नाम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तीन लोगों का नाम बता रहा हूं गाइस, क्योंकि ये तीनों कॉलेज काफ़ी अच्छा से जाना जाता है। आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा रैंक भी लाना पड़ता है गाइस, आपको 500 रैंक के अंदर में आना पड़ेगा, 500-600 रैंक के अंदर में आपको आना पड़ेगा, तब यहाँ पे जाकर आपका एडमिशन होगा गाइस। तो ये सब कॉलेज आखिर यहाँ पे अच्छाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ का प्लेसमेंट 100% होता है। 100% बोले तो गाइस, GP आदित्यपुर का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, 100% उसका प्लेसमेंट है। GP जो कि धनबाद है, वहाँ का भी प्लेसमेंट अच्छा खासा है, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ का भी है, बहुत अच्छा। और GP रांची का भी प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेज है गाइस, वहाँ पे भी प्लेसमेंट होता है, हर जगह प्लेसमेंट होता है, लेकिन हर जगह को उतना अच्छा नहीं, मतलब कहीं का रेशियो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो ये तीनों का रेशियो काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इसको अच्छा कॉलेज बोल रहा हूँ। मैं ही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं इसको अच्छा कॉलेज, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अच्छा नंबर लाना होता है गाइस। लेकिन गाइस, क्या पढ़ाई यहाँ पर भी अच्छा होता है, ये चीज़ मायने रखता है। तो गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये नहीं है गाइस, पढ़ाई हर जगह होता है गाइस, ठीक है। GP मैं धनबाद में पढ़ रहा हूँ गाइस, तो क्या यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे भी पढ़ाई होते हैं गाइस, लेकिन हाँ रही बात गाइस कि प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों मायने रखता है हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने नोटिस किया है इस तीनों कॉलेजों में कि प्रैक्टिकल नॉलेज उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि गाइस काफ़ी सालों पुराना कॉलेज है, तो यहाँ में जो भी मतलब यहाँ का सिस्टम है गाइस, बोले तो फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री का लैब, वर्कशॉप ये हो गया, वो सब काफ़ी पुराना हो चुका है गाइस। कंप्यूटर लैब, ये सब काफ़ी पुराना हो चुका है गाइस, सिस्टम लोग काफ़ी पुराना है, ख़राब भी बहुत सारा हो गया है गाइस, इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है। अब नया इंस्ट्रूमेंट आया तब तो गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज के मामले में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाता है कॉलेज, लेकिन गाइस बहुत सारे भी और सारे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे पढ़ाई अभी अच्छा होता है और प्लेसमेंट भी वहाँ पे कुछ कुछ अच्छा है। क्योंकि सब स्टूडेंट जितना भरता है गाइस, उतना सारा हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट है गाइस, क्या ये तीनों कॉलेज में हो जाएगा? ये तीनों कॉलेज में तो एक ब्रांच में तो गाइस 60 स्टूडेंट ही लेता है इस सब कॉलेज में। तो कहने का मतलब गाइस, और भी कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस देखिए, एक है GP जगन्नाथपुर गाइस, वहाँ का पढ़ाई भी बेस्ट है गाइस, मुझे तो लगता है ये हमारे कॉलेज से, ये सब कॉलेज से तो थोड़ा वहाँ पे अच्छा पढ़ाई है, क्योंकि वो नया कॉलेज है गाइस, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाई भी चल रहा है, मुझे ये चीज़ मालूम चला है गाइस। तो वहाँ का भी पढ़ाई अच्छा है गाइस। GP लातेहार भी अच्छा खासा कॉलेज है गाइस, बहुत सारे कॉलेज है गाइस, GP दुमका भी अच्छा कॉलेज है गाइस, तो ये सब कॉलेज अच्छा अच्छा कॉलेज है गाइस। GP साहिबगंज बहुत सारे कॉलेज है, वुमेंस गर्ल्स लोग के लिए वुमेंस पॉलिटेक्निक रांची, वुमेंस पॉलिटेक्निक आदित्यपुर में भी है, तो सभी कॉलेज अच्छा अच्छा कॉलेज है गाइस, सभी कॉलेज अच्छा है, लेकिन ये तीनों कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में अच्छा जाने जाते हैं गाइस। लेकिन हाँ गाइस, जो GP में बोला आपको आदित्यपुर का और GP धनबाद का, GP रांची का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट इसका होता है, ठीक है। तो गाइस कुल मिला के यही है गाइस, बहुत सारे टॉप कॉलेज, सभी कॉलेज अच्छा है गाइस, सभी कॉलेज अच्छा है, बट ये सब कॉलेज को मैं इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ अच्छा, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है गाइस, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए ही कोई पढ़ता है, ठीक है। ऐसे तो गाइस अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो सभी कॉलेज बेस्ट हैं, क्योंकि सबका तो भाई वैल्यू तो सेम ही है, सरकार के नज़र में या फिर जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स के मामले में सबका तो वैल्यू तो सेम ही है ना गाइस। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ के ले लीजिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये सब कॉलेज थोड़ा बेस्ट है गाइस, और पढ़ाई के मामले में भी बेस्ट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तीनों कॉलेज पढ़ाई के मामले में कम है, पढ़ाई के मामले भी अच्छा है और इसके भी मामले में, ठीक है। और कहीं भी गए आपको तो खुद से पढ़ना ही होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चल जाए दुनिया कोई भी कॉलेज में, आपको खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके खुद का मेहनत पे, खुद के स्टडी पे, सेल्फ स्टडी पे गए।
तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। गाइस मैं इस तरह के बहुत सारे, अभी तो गाइस मैं जीपी धनबाद को हॉस्टल में ही हूँ गाइस, अपने हॉस्टल रूम में हूँ। मैं आपको बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा जीपी धनबाद के बारे में और भी पॉलिटेक्निक जितने भी कॉलेज सबके बारे में दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि मुझे मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं उनसे भी से जानकारी ले करके वहाँ का भी वीडियो हर जगह मैं आपको जानकारी दूंगा और रिलेटेड एग्जाम जो भी दिक्कत होगा उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।